क्वेश्चन है, सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोटा व बूंदी में, बी ऑप्शन है गंगानगर व हनुमानगढ़ में, सी ऑप्शन है जोधपुर व पाली में, डी ऑप्शन है जयपुर व अलवर में। तो कहाँ पाए जाते हैं सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर प्रमोद कुमार, बी ऑप्शन है डॉक्टर नवीन हल्दिया, सी ऑप्शन है सी के राजा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है लेखक टेराकोटा ऑफ राजस्थान के, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रमोद कुमार है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, बी ऑप्शन है अजमेर में, सी ऑप्शन है कोटा में, डी ऑप्शन है सीकर में। तो किस जिले में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फड़ चित्रण, बी ऑप्शन है पाना, सी ऑप्शन है सांझी, डी ऑप्शन है मांडना। तो क्या बनाया जाता है गोबर से घर की दीवारों और चबूतरे पर, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांझी बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है पद्मनाम में, बी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, सी ऑप्शन है विजयदान देथा, डी ऑप्शन है ईसरदास। तो कौन थे दरबारी कवि महाराव राम सिंह के, जो कि बूंदी के शासक थे, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमल मिश्रण थे। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में गोडिये संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जसनाथ जी, बी ऑप्शन है जाम्बो जी, सी ऑप्शन है गौरांग महाप्रभु, डी ऑप्शन है दादू दयाल जी। तो कौन थे गोडिये संप्रदाय के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौरांग महाप्रभु थे। नेक्स्ट हमारा, दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है कांकरोली में, बी ऑप्शन है नारायणा में, सी ऑप्शन है नाथद्वारा में, डी ऑप्शन है किशनगढ़ में। तो कहाँ पर स्थित है दादूपंथी संप्रदाय की गद्दी, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये नारायणा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रामचरण, बी ऑप्शन है दादू, सी ऑप्शन है कबीर,
डी ऑप्शन है जाम्बो जी। तो कौन है विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाम्बो जी है जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी और 29 नियम भी बनाए थे। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से फारसी लोग किसके उपासक है, ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा के, बी ऑप्शन है सूर्य के, सी ऑप्शन है शक्ति के, डी ऑप्शन है पृथ्वी के। तो किसके उपासक है फारसी लोग, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के उपासक है। नेक्स्ट हमारा, श्रीमती फलकुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर ए है घूमर नृत्य की, बी ऑप्शन है इंडोनी नृत्य की, सी ऑप्शन है चरी नृत्य की, डी ऑप्शन है डांडिया नृत्य की। तो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है श्रीमती फलकुबाई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए है रामचरण जी, बी ऑप्शन है दादू दयाल जी, सी ऑप्शन है जसनाथ जी, डी ऑप्शन है संत धन्ना जी। तो कौन माने जाते हैं दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल जी माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है अन्नपूर्णा जी को, बी ऑप्शन है करणी माता को, सी ऑप्शन है स्वांगिया माता को, डी ऑप्शन है नागनेची माता को। तो किस माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं जैसलमेर के राजा, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वांगिया माता को मानते हैं। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर ए है गोसुंडी लेख में, बी ऑप्शन है पुराणों में, सी ऑप्शन है बेराट लेख में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर मिलता है वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोसुंडी लेख में मिलता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है, ऑप्शन नंबर ए है हिंदुओं का, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, सी ऑप्शन है जैनियों का, डी ऑप्शन है पारसियों का। तो किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है दिलवाड़ा मंदिर जो कि आबू में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जैनियों का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है मालवी बोली का, बी ऑप्शन है मेवाड़ी बोली का, सी ऑप्शन है मेवाती बोली का, डी ऑप्शन है हाड़ौती बोली का। तो किस बोली का प्रयोग किया है महाराणा कुंभा ने अपने नाटकों की रचना में, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ
फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों।